जो उसके बगल में फोटो होती है ना वो हमारी क्या होती है, फेविकॉन आइकन होती है। ठीक है, टाइटल समझ में आ गया, फेविकॉन आइकन समझ में आ गया। अब देखते हैं कि हेड के अंदर अपन और क्या काम करते हैं। ठीक है, अपन उसको देखने वाले हैं। वो यूआरएल शो करता है पेज का, तो पेज होता है ना, पेज पेज का यूआरएल लाइव है ना, तो लाइव में क्या होगा, तो पेज का पूरा यूआरएल देगा ना वहां पे। लोकल पे क्या शो करेगा, पेज का नाम शो करेगा, जैसे अपने शो कर रहा था ना ए डॉट क्या, नहीं वो तो बाय डिफॉल्ट आता है। जब क्या होता है देखो, यहां से पेज लोड होना, पेज कैसे काम करते हैं कोड, हमारे कोड यहाँ से काम करते हैं, नंबर एक, नंबर दो। अब मांगा चलो जैसे आपकी वेबसाइट लोड हुई तो सबसे पहले वो यूआरएल आएगा, आता है ना, फिर यहाँ से गिनेगा एक दो तीन, यहाँ पे आएगा, फिर टाइटल दिखा देता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कोड रीड होता है ना ऐसे करके, टाइटल क्लियर, ये चीजें टाइटल समझ में आ गया, टाइटल कैसे हमारा काम करता है तुम लोगों को। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, अभी दिखाऊंगा देखो। अब बाकी बात करते हैं सीएसएस वाला काम किसके अंदर करेंगे, हेड के अंदर। जावा स्क्रिप्ट वाला काम किसके अंदर करेंगे अपन, हेड के अंदर। अब मेटा टैग, अभी आपके मन देखो मेटा टैग आ रहे होंगे जो मैंने अभी हटवाए थे, यहाँ पे एक हटवाए थे मेटा टैग, तो वो सारे काम हमारे किसके अंदर होते हैं, वो हमारे सारे काम होते हैं किसके अंदर, हेड के अंदर। तो हेड के अंदर हम क्या क्या करते हैं, एक टाइटल वाला काम करेंगे, एक सीएसएस वाला काम करेंगे, एक जावा स्क्रिप्ट वाला काम करेंगे, एक मेटा वाला काम करेंगे, और बाकी हम जो भी कोड करेंगे, जो भी वेब पेज के लिए जो भी हम कोड करने वाले होंगे, वो सारा कोड हम इस बॉडी टैग के अंदर करते हैं। ठीक है, हम बाकी जो भी कोड करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी कोड करेंगे, जो वेब पेज हम बनाएंगे, वो सारा कोड किसके अंदर होगा, इस बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, हेड के अंदर क्या 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 होता है काम, टाइटल वाला काम होता है, सीएसएस वाला काम होगा, जावास्क्रिप्ट वाला काम होगा, मेटा वाला काम होगा। बाकी हम जो भी कोड करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, वो सारा कोड हम इस बॉडी टैग के अंदर करते हैं। रन किया, यहाँ पे चालू हो गया, दिखा गए देखो, हेलो पॉइंट क्लियर हुआ इतना। अब देखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोड है, कि मैंने अपने अकॉर्डिंग सिंटैक्स बनाया। अब मैं आपको दिखाता हूं, आपको फ्लिपकार्ट दिख रहा है सामने सबको मेरी स्क्रीन पर, देखते हैं कि ये भी इस तरीके से काम, क्या ये भी इस तरीके से काम करते हैं क्या, वो अपन देख लेते हैं अभी। ठीक है, फ्लिपकार्ट भी क्या इस तरीके से काम कर रहा है, क्या गूगल भी इस तरीके से काम कर रहा है, मेटा भी बताएंगे बताएंगे, मेटा टैग जो होते हैं ना इसके अंदर काम करते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे ना आगे चल के, सीएसएस पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, मेटा पढ़ेंगे। अभी मैंने क्या बताया, हेड के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं, टाइटल वाला काम करते हैं, सीएसएस वाला काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट वाला काम करते हैं, मेटा वाला काम करते हैं। बॉडी के अंदर अपन जो भी कोड लिखेंगे ना, वो सारा काम हम इस बॉडी टैग के अंदर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, अभी बता भी दूंगा तो भूल जाओगे 10 दिन बाद आप, क्योंकि तो हमारे माइंड में सिर्फ वही चीजें रहती हैं जिसको हम डेली यूज में लेते हैं। अब देखो, अब मैं ये फ्लिपकार्ट है, अब मैं देखता हूँ क्या इनका कोई और तरीका है क्या, क्या इनने किसी घर के ऊपर अपना घर बना लिया है, कि ये भी वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे चेक करोगे, राइट क्लिक करना, अभी देख लो, इंस्पेक्ट करना है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट कर दो, तो आप कुछ कोड देखेंगे कि क्या ये भी वही तरीका फॉलो कर रहे हैं जो अपन करने वाले हैं। देखो अभी इनका कोड आ जाएगा सामने HTML का, तो मैंने ये बंद किया। देखो ऊपर क्या लिखा है इनके में, दिख रहा है सबको, डॉक टाइप HTML, HTML स्टार्ट हो रखा है, HTML एंड हो रखा है, हेड स्टार्ट हुआ, हेड एंड हुआ, बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी एंड हुआ, दिख रहा है, ये वो सिंटेक्स यूज कर रहे हैं सब लोग। अब देखते हैं इनका टाइटल, हमने कहा था ना हेड के अंदर हम टाइटल यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो देखें ये भी करते हैं कि हेड के अंदर भी चीज यूज। देखो दिख रहा है लिंक्स लगी हुई हैं, लिंक्स देखो, देखो जो लगे मेटा दिख रहे हैं आप लोग, मेटा देखो लिंक्स लगी हुई है, देखो ये देखो लिंक्स, देखो देखो मेटा, देखो नीचे देखो, देखो स्टाइल लगा हुआ है, देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट लगी हुई है, देखो नीचे स्क्रिप्ट लगी है, देखो जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, लिंक्स लगी हुई है CSS की, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। अब देखो टाइटल आ गया जी, देखो टाइटल, इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो लिखा है, और यहाँ पे देखो ऊपर, देखो माउस ले जाकर देखो वही सब लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को सबको,
तो इसको इसको बंद कर दिया मैंने। फिर नीचे आया, देखो लिंक्स लगी हुई, देखो यहाँ पे सारी, देखो नीचे देखो स्क्रिप्ट लगी है। अब देखो ये लगी है CSS, देखो स्टाइल, इसको खोल देखो जो लगी है CSS इनके में भी, देखो स्टाइल कलर कलर देखो यहाँ पे नीचे। अब बाकी सारा काम, अब देखो इन्होंने क्या किया, हेड के अंदर टाइटल स्क्रिप्ट लिंक्स और मेटा, ये तो काम किए इन्होंने। बाकी सारा काम ये किसके अंदर कर रहे होंगे, वेब पेज का, देखो किसके अंदर हो रहा है सारा काम, देखो दिख रहा है सब बॉडी के अंदर, देखो चल रहा है, देखो दिख रहा है, देखो देखो बाकी सारा काम कर रहे हैं बॉडी टैग के अंदर, दिख रहा है ना ये। अब देखो अब फिलिप गूगल, देखो सबसे पहले गूगल, ये मैंने गूगल पे ओपन किया क्योंकि मैं चीजें क्लियर होनी चाहिए अच्छे से कि क्यों कर रहे हैं। ये गूगल है, सब लोग जानते हैं इसको तो अच्छे से, है ना। इसका भी राइट क्लिक कर लो, आप भी कर सकते हो, किसी वेबसाइट का राइट क्लिक करो, उस पर टेलिंग का चेक कर लो। ये लिखे ना जो मैंने स्पेक्ट एलिमेंट किया है ना, इसमें एलिमेंट कंसोल सोर्स नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये सब हम लोगों के लिए है, हम डेवलपर के लिए, ये स्पेक्ट एलिमेंट में जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये हम सबके लिए है, डेवलपर के लिए। और ये आपको मैं सिखाऊंगा डिजाइनिंग में, जब आप डिजाइनिंग सीखोगे तो एलिमेंट का यूज होगा, स्टाइल का यूज होगा, जब जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो कंसोल का यूज होगा, जब API भी काम करना सीखोगे बैकएंड में तो नेटवर्क का परफॉर्मेंस का यूज होगा। इस जे पूरा ये स्पेक्ट एलिमेंट है, ये हम डेवलपर के लिए बना हुआ है, यहाँ से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, अभी सिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे भी आप लोग दिख रहा है, डॉक डॉक टाइप HTML, HTML स्टार्ट, HTML एंड, हेड स्टार्ट, हेड एंड, बॉडी स्टार्ट, बॉडी एंड, है ना। अब इसको ओपन कर लो, टाइटल को देखो, मेटा लिंक्स लिखा है, देखो टाइटल में गूगल ऊपर, देखो लिखा है गूगल ऊपर, देखो लिखा है गूगल इनका भी, दिख रहे हैं सबको। और बाकी सारा काम जो किसके अंदर कर रहे हैं, देखो देखो स्टाइल लगा हुआ है, देखो CSS लगा हुआ है, बाकी सारा काम किसके अंदर कर रहे हैं, ये अपना बॉडी के अंदर, ठीक है, दिख रहा है सबको। चेंज नहीं, चेंज क्यों कर सकते हो, आपको दिखा रहे ही बहुत है उनके लिए। अब देखो अब जो गूगल मीट है, जो गूगल मीट है जिसपे आप लोग क्लास ले रहे हो, माइक बंद कर दो मिस, जो गूगल मीट है जिसपे आप लोग क्लास ले रहे हो, इसी का स्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो आपको टाइटल लिख रहा है ना, देखो टाइटल मीट FZR, ये टाइटल। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो वही सेम डॉक टाइप HTML स्टार्ट, HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, हेड में बॉडी स्टार्ट, बॉडी बन HTML। अब हेड के अंदर ने क्या किया, देखो स्क्रिप्ट, देखो सब चीजें वही है, देखो लिंक्स फिंक्स, देखो सब लोग नीचे देखते जाओ, देखो देखो टाइटल आ रहा है, टाइटल लिखा हुआ वही मीट FZ TP। बाकी सारा काम ये किसके अंदर कर रहे हैं, आप बॉडी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया सिंटैक्स, कभी भी नहीं आया, अब पिक्चर अच्छे से क्लियर हुई। अब आप लोगों ने एक चीज देखी थी, जब हमने जब आपको मैं दिखा रहा था बॉडी, तो बॉडी में आप इसको बड़ा देख रहे होगे, बिल्कुल इस चीज को देख रहे थे। अभी आप स्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो आपको कोड बहुत कम समझ में आएंगे, और 1 महीने बाद आपको कोड अच्छे से क्लियर होने लगेंगे वेबसाइट के। जब भी किसी वेबसाइट का आप स्पेक्ट एलिमेंट करोगे, आप कहोगे अच्छा ये इसमें ये लगा हुआ है। तो आपने देखा होगा मैंने आपको 3 या 4 वेबसाइट स्पेक्ट एलिमेंट किए, डिप कहाँ से हो गया अपना भाई, पहली क्लास, तीसरी क्लास चल रही है। हाँ ठीक है तुम्हारा हो गया। हाँ तो अब देखो यहाँ पे सब लोग, तो ये डिप, तो आपने अभी हमने 3 या 4 वेबसाइट देखी, आपने देखा होगा बॉडी के अंदर डिप डिप दिख रहा था बहुत ज्यादा, देखना अभी आप लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिप, ठीक है। जब मैं डिप पढ़ाऊंगा ना, जो हमारे वेब पेज बनेंगे वो सारे वेब पेज हमारे किसके अंदर से बनेंगे, डिप की मदद से बनने वाले होंगे, ठीक है। तो सिंटेक्स क्लियर इतना सबको, कैसे क्या सब चल रहा है बताएं, इतना पार्ट क्लियर हुआ। चलो हाँ अब देखो ये, अब वो BCom वाला कोई जी नहीं, वो कह सकता है कि सर कहाँ से पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक्स चले अपन अब। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अभी नोट नहीं करना है किसी को, मैं जब बोलूँ तब नोट करना है, ठीक है। टाइटल क्लियर हो गया, अब हम जो भी काम करेंगे वो बॉडी के अंदर ही करेंगे। तो अब सबसे पहले आते हैं, किसी ने क्वेश्चन कहा था ना वही सर वो हेडिंग टैग, तो वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। अपन पहली कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं,
हेडिंग टैग से। तो सबसे पहले होता है एच वन टैग, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एच वन टैग, मैंने लिखा हेलो, और अभी सब देखो, आप ये समझो कि फिल्म चल रही है, ठीक है। नोट कब करूँ, जब मैं कह दूंगा भाई अब नोट करो आप लोग, तो आप नोट करना एस टू, एस थ्री, एच फोर, स्टार्टिंग के 10 दिन बस थोड़ा स्लो रहेगा बैच, अपने आप स्पीड में आ जाएगा जब सब लोग समझ में लगेगा अच्छे से। एस सिक्स, तो हमारे जो हेडिंग टैग होते हैं ना वो एच वन से लेके एस सिक्स तक बाय डिफॉल्ट होते हैं टैग, ये बने बनाए टैग हैं, हेडिंग टैग, ठीक है। अब इनको मैंने सेव कर लिया, जब भी ब्राउजर पर रन करना होगा तो क्या करना होगा आपको, सेव करना होगा, याद रखना। देखो दिख रहे हैं आपको हेडिंग टैग यहाँ पे, तो अब आपको दिख रहा होगा एच वन सबसे बड़ा टैग होता है, एस टू उससे छोटा, एस थ्री और छोटा, एच फोर और छोटा, एच फाइव और छोटा, एस सिक्स और छोटा। तो आपको दिख भी रहा है बोल्ड टाइप के, दिख रहा है ना बोल्ड हेडिंग, बुक्स पढ़ते हो ना शिवानी, चलो बुक्स पढ़ते हैं ना, बुक्स में हेडिंग होती है और पैराग्राफ होते हैं, हेडिंग पैराग्राफ होते हैं ना, तो ये वही हेडिंग है ये सारी, एच वन से लेके एस सिक्स तक। अब एक होता है पैराग्राफ, ठीक है, वो हमारा क्या होता है पी टैग होता है पैराग्राफ के अंदर, पी टैग, पी से मतलब पैराग्राफ। देखो ये आ गया आपका पैराग्राफ, दिख रहा है सबको, हेडिंग और पैराग्राफ, एच वन से लेके एस सिक्स तक हमारी क्या होती है सारी हेडिंग होती है, और पी से पैराग्राफ होता है। अब बोलोगे सर के एस सेवन भी होती है, तो देखो मैं लिख के देखता हूँ एस सेवन होती है क्या, ट्राई करते हैं एस सेवन, ये बंद कर दिया और चेक करते हैं कुछ आ रहा है क्या, देखो नहीं है ना, देखो सर देखो एस सेवन अगर हेडिंग होती तो बोल्ड होती ना इनकी तरह पर, इनकी तरह सब देखो, अगर एस सेवन में हेडिंग होती तो जैसे बाकी सब बोल्ड है ना ये, तो ये भी बोल्ड होता। तो एच वन से लेके एस सिक्स तक हेडिंग होती है। अब मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर इनका क्या यूज है, आया क्वेश्चन मन में सर इनका क्या यूज है एच वन से लेके एस सिक्स हेडिंग का, पैराग्राफ तो मालूम पड़ गया कि सर पैराग्राफ से तो पैराग्राफ लिखने को होता है, मगर एच वन से लेके एस सिक्स तक हेडिंग का क्या रोल है, तो वो अपन पॉइंट समझते हैं। तो अब देखो, अब मुझे क्वेश्चन का सब लोग आंसर दें, आप लोगों के घर में शादियां होती हैं, आपके घर में शादियां होती होंगी किसी किसी की, हुई है घर में शादियां, परिवार में, रिश्तेदार में, परिचित में, घर में हुई है क्या, खाना तो बोला करो, तभी तो चीजें क्लियर। तो अब आप अपने घर में क्या करते हो, हलवाई को बुलाते हो, डेकोरेशन वाले को बुलाते हो, घर पे बुलाते हो ना कि भाई डेकोरेशन होनी है घर पे, या स्टेज वहाँ पे पंडाल में है ना, और खाना बनना है, हलवाई को बुलाते हो, तो हलवाई वाला आता है, वो आप उससे कहते हो भाई दिखाओ क्या क्या मेनू है, तो वो आपको कहता है देखो जी लिस्ट है, तो हलवाई आपसे कहता है कि सर एक काम करो रस मलाई बनवा लो, रबड़ी सर बनवा लो, कहता है ना आपसे, अरे तुम कहते नहीं नहीं भाई मेरा तो बजट नहीं है, बस तुम रसगुल्ले बनाओ काले वाले बस, अरे नहीं सर छेने करवा लो सर, अरे सर काजू की बर्फी करवा लो, कहता है वो आपसे। फिर दूसरा डेकोरेशन वाला आता है, आप उससे कहते हो भाई स्टेज दिखाओ आप कैसी कैसी स्टेज हैं गैलियाँ हैं, आप कई सारी दिखाता है, बोलेगा अरे सर ये करवा लो 50,000 की है सर मज़ा आ जाएगा इसमें, तुम कहते नहीं थोड़ा कम की दिखाओ, कि वो जो कहता है आप उसकी बात मान लेते हो, कि आप उससे अपने अकॉर्डिंग काम करवाते हो, बताएं सब लोग, अपना बजट जो होता है अपन उसी अकॉर्डिंग सारा काम करवाते हैं, है ना, बजट जो हमारा होता है, हमारा बजट है नहीं रसमलाई का रबड़ी वाला, हमारा तो काले रसगुल्ले वाला है, तो भाई क्यों पैसा खर्च करें, वो तो हलवाई तो कहेगा, डेकोरेशन वाला भी कहेगा अरे सर इसमें आप लाइट लगवा लो सर, इसमें वो लगवा लो फलाने ढकाने, आप लोग मना कर देते हो, है ना, ऐसे ही तो होता है ना। तो वही सेम काम वेबसाइट में होता है, जब आप से कोई क्लाइंट वेबसाइट बनवाएगा, ठीक है, बोलेगा यार मेरी एक वेबसाइट बना दो सिंपल सी ब्लॉग वेबसाइट, समझना पॉइंट को, तो आपने कहा हाँ ठीक है सर अभी बना के देता हूँ आपको, आपने लिया यहाँ पे देखो, समझना पॉइंट, ये मैंने लिया ये पेस्ट कर दिया आपने क्लाइंट ने आपसे कहा कि मेरी ब्लॉग वेबसाइट बना दो, आपने उसकी वेबसाइट बना के उसको दिखा दी कि सर ये लीजिए आपकी वेबसाइट बना दी मैंने ब्लॉग वाली, आप ब्लॉग डाल सकते हो और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, है ना। अब उसने देखा, अब उसने क्या बोला, अरे अरे यार ये तुमने क्या किया, तुमने इतनी बड़ी हेडिंग क्यों कर दी, ये ब्लॉग वेबसाइट वाली इतनी बड़ी हेडिंग क्यों लिख दी यार, पूछ तो लेते एक बार,
यही कहेगा आपसे, आपने पूछा, अब आप बोलोगे सर हमने तो पूरी वेबसाइट बना दी है ना, बोलेगा अरे भाई आप पूछ तो लेते कि मुझे इतनी बड़ी हेडिंग नहीं चाहिए, कितनी बेकार लग रही है, पॉइंट समझ में आ रहा है। वो अपने अकॉर्डिंग आपसे काम कराएगा ना, आप कहोगे सॉरी सर बताइए सर कितनी क्या कर दें हेडिंग, बोलेगा चलो मुझे करके दिखाओ एक आध तो हेडिंग, आप थोड़ा छोटा करो उसको नेक्स्ट, तो आप क्या करोगे ऊपर आ जाओगे यहाँ कर दोगे S2। अरे को बुरी जानता है S2 S3 क्या होती है, वो तो नॉन टेक्निकल आदमी है ना, अब उसको कहोगे सर देखो, बोलेगा थोड़ा और छोटा करो नेक्स्ट, अब तुम क्या करोगे H4 कर दोगे समझाने के लिए उसको, सर चलो H4, कहेगा थोड़ा बड़ी करना नेक्स्ट, क्लाइंट ऐसे खून पीते हैं थोड़ी बड़ी करना, तुमको चलो S3 कर देते हैं, माइक बंद कर लो जिसका माइक ऑन हुआ है, ये कर लिया, बोलेगा यार एक काम करो वही पहले वाली ठीक थी यार, वो जो आपने उससे पहले की थी बीच में ना, ऐसे आप लोग करवाते हो जब डेकोरेशन वाला काम करवाते हो शादी में, अरे नहीं नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, ये पर्दा नहीं अच्छा लग रहा, अरे ये बैलून नहीं अच्छा लग रहे, कहते हो ऐसी क्लाइंट अपन से कहता है। हाँ चलो, वो कहेगा ऐसे, पता है ऐसे भी कहेगा मरी मरी आवाज में, हाँ चलो ये ठीक है, ये कहेगा हाँ चलो ठीक है। अब सोचो तुम्हारे कितना काम बढ़ गया, अगर मैं उससे पहले पूछ लेता कि सर ये हेडिंग क्या यही रखनी है आपको, तुम्हारा कितना अब इस चीज से मेहनत बच गई, बच जाती आपकी नहीं बच जाती, अब वो ये नहीं जानता कि S2 ये क्या होता है, ठीक है आपने उसको S3 दिखा दिया, H4 दिखा दिया, S2 दिखा दिया, अब वो S2 मान गया, अब उसने क्या कहा कि आप मेरी पूरी वेबसाइट में हेडिंग यही रखना है S2, मतलब ये रखना, उसको वो नहीं पता S2 क्या होता है, उसने कहा यही रखना, बात समझ में आई हेडिंग की, अब समझ में आएगी नहीं, हाँ जी बोलो बोलो, हाँ आएगी अभी आएगी, उस पर भी आएंगे अपन धीमे धीमे आएंगे, धीमे धीमे इच्छाएं पूरी होती है ना डॉक्टरों की, है ना, तो अभी इतना तो हमने उसने कह दिया कि हाँ चलो इतना ठीक है ये कर दो, तो आपने इतना काम करवा लिया ठीक है, अब वही घर में डेकोरेशन हो रही है, गेट पर्दे लग गए, अब तुम बोलो अरे नहीं नहीं अरे ये पर्दे मजा नहीं आ रहा, एक काम करो जी लाइट यहाँ नहीं तो वहां लगाओ, ये आप लोग भी करवाते हो डेकोरेशन वाले से, अरे यहाँ नहीं यहाँ लगाओ, पहले तुमने इतना करवा लिया, अब तुम घूम फिर घूमने कहीं चले गए, अब तुम लौट के आए, अरे ये क्या किया, अरे ये क्या किया, अरे लाइट मजा नहीं आ रहा है, तुम इसमें जो है लाइट चेंज करो, तभी उस पॉइंट पे भी बनाएंगे, तो इतना पॉइंट अभी क्लियर हुआ जो बाय डिफॉल्ट में हेडिंग मिली हुई है सब लोग, हाँ ना तो बोलो, बोर हो रहे, बोर हो गए क्या, बोर हो गए क्या, बोर है ना, तो इतनी कहानी क्लियर, तो चलो किसके यहाँ पे नीचे, इसके नीचे H1 के, H1 के अंदर H1, मतलब एक ही हेडिंग पे, एक ही हेडिंग पे, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, जैसे चलो चलो हाँ फिर यहाँ पे ये को लिखना नीचे, यहाँ पे नीचे ऐसे ऐसे, हाँ तो ऐसे लिख लो ना, क्या दिक्कत है उसमें, उससे फर्क तो उससे क्या हो जाएगा ना? बुक्स पढ़ते हैं ना हम, बुक्स में क्या होता है, ब्लॉक्स में क्या होता है, हेडिंग होती है, पैराग्राफ होते हैं ना, चलो तो देखो इतना जो हो गया, तो पहले आप इतना नोट करो और फिर अपन आगे चलते हैं ठीक है, तो आप एक बनाओगे फाइल, अब सुनने पहले एक, हाँ बोल बोल बोलो, हाँ बोल बोलो, हाँ बोलो बोलो, तो 2 H1 लगाने से क्या हो जाएगा, कुछ हो गया नहीं, चलो इसको नोट करो, अब आप लोग बना लें एक फाइल, अब आ रही सबको मेरी, एक फाइल बना लो heading.html नाम से, सब सुन लें एक फाइल heading.html, अब आ रही आप लोग मेरी, हाँ बोलो बोलो बोलो, अभी सब आएंगे सब आएंगे सब आएंगे सब सब आएंगे सब आएंगे सब आएंगे सब आएंगे, अभी परेशान हो सब करेंगे, इतनी ख्वाहिशें सारी पूरी करेंगे, पहले इतनी ख्वाहिश होगी इतने लिख लो पहले पहले इतना नोट करें सब लोग, एक सब बना लें फाइल heading.html, heading.html, और बैच के एंड में आज का जो काम हो रहा है उसका फोटो खींच के भेजना है ठीक है, पिछली क्लास में कम लोगों के आए थे तो मैंने नोट, तो इस बार
जब स्क्रीनशॉट आप भेजें तो नाम लिख के जरूर भेजें, जिससे मैं आपके नाम मेंशन कर सकूं, और जिसका स्क्रीनशॉट नहीं आएगा उससे मैं अगली क्लास में स्टार्टिंग में पहले यही पूछूंगा कि भाई आपने क्यों नहीं भेजा। ठीक है, तो नोट कर लें, सबको भेजना है तुम अलग हो क्या वैसे? नोट कर लें, कहाँ से नोट करोगे? सबसे पहले सिंटैक्स लिखना, आप लोग सिंटैक्स लिखना सिखाया था ना, फिर ये टैग लिखना इतने। मैं फिर कह रहा हूँ कि 10 दिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 10 दिन, बस 10 दिन में आप कोडिंग लिखना सीख जाओगे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसने डीबीएमएस पढ़ रखा है? डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप सबके सिलेबस में होता है? ठीक है, और ठीक है, और सबको ये पता है कि डीबीएमएस इंटरव्यू में हमेशा डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटाबेस के, आपके आपके सिलेबस में भी है ये बात, सबको पता होगी। तो किसी को पढ़ना है डीबीएमएस डेटाबेस, पूरा पढ़ाता हूं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे यहाँ दो कोर्स, पूरा पूरा माई एसक्यूएल, पूरा पूरा माई एसक्यूएल, पूरा माई एसक्यूएल मतलब एक क्रिएट, इंसर्ट, डिस्प्ले, व्यू, एड, डिलीट, वेयर, अपडेट, ज्वाइन, पूरा इंटरव्यू तक का पढ़ाता हूँ, पूरा MySQL पूरा। ऐसा नहीं, अरे अरे अरे, पहले पहले नोट कर लो, बता दूंगा, सुन लो, ये माइक बंद कर ले, माइक सब लोग माइक बंद कर लो भाई, आप लोग आंसर देने के बाद माइक बंद कर लिया करो, होता है कि आपके पीछे बहुत शोर होता है। तो पहले नोट कर लो, मैं बता दूंगा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ दो कोर्स फ्री चलते हैं, वो बता रहा हूँ, एक MySQL, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं कॉलेज में माई एसक्यूएल, जब इंटरव्यू के टाइम पे माई एसक्यूएल की क्वेरी पूछी जाती है, ज्वाइन क्वेरी क्या होती है, मैक्स सैलरी, मिनिमम सैलरी निकालो, है ना। डेटाबेस मेरा मेरा मतलब यह है कि बीटेक कर रहे हैं हम लोग तो हमें डीबीएमएस की नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ मेरा मानना यह है कि अगर आप बीटेक के फील्ड में हो तो डीबीएमएस आपको आना चाहिए, और C++ की नॉलेज होनी चाहिए, और उसमें भी क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, स्टेटमेंट, लूप, फंक्शन, एरे, ये आपको रटे होने चाहिए, अच्छे खासे रटे होने चाहिए ऑपरेटर सारे, लॉजिकल कंपैरिजन, है ना, स्टेटमेंट, लूप, फंक्शन, एरे, रटे हों मतलब जवान पे याद हों आपके। C++ की बात करूं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड्स, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रटी होनी चाहिए अगर आप बीटेक कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आप अपनी लिस्ट में शामिल कर लो कि ये हमें हमें इतना पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट काम कैसे करता है, लूप काम कैसे करता है, कंपेरिजन काम कैसे करते हैं, क्लास कैसे काम करती है, ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं, जी हमें पता होना चाहिए। भले आप बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं बना पाते कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए, ऐसी आता है डीबीएमएस, ऐसी आपको डीबीएमएस की नॉलेज होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट एक ऐसे हैं जिनकी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और फिर डेटा स्ट्रक्चर तो फिर बाद में आई जाता है, जब तक जब आपको C++ की नॉलेज नहीं होगी तो डेटा स्ट्रक्चर पे तो काम ही नहीं कर पाओगे। तो मतलब ये कहना है कि इतना तो होना चाहिए, जब बीटेक हम कर रहे हैं C++ के ये बेसिक कंसेप्ट हैं, और DBMS ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबको वो आराम से आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको ये बताया है आप आराम से गूगल पे यूट्यूब से पढ़ सकते हो इतना कि हाँ भाई ऑपरेटर कैसे क्या काम करते हैं। ठीक है, अब डीबीएमएस मेरे यहाँ चलता है सैटरडे संडे को, अभी एक बैच चल रहा है सैटरडे संडे को, बच्चे पढ़ते हैं, सारे बैच सबके लिए होता है, ऑनलाइन रहता है, सैटरडे संडे को चलता है 9 से 10,
सप्ते में 2 दिन, ठीक है? तो अभी वो बैच फिनिश होगा, फिर उसके बाद आप लोग का बैच चालू करूंगा, नए बैच होगा मॉर्निंग मॉर्निंग में, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे कॉलेज ऑफ रहते हैं सबके, तो 8:09:10 रहता है। भेज दिया। चलो अब देखो सब लोग, ये नोट हो गया इतना, सबका नोट हो गया, रन हो गया, रन हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब सब देखो, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, नोट हो गया? कल ये मत कहना बैच में कि सर मैं नोट नहीं कर पाया था। नहीं लगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लगा रहने दो, ठीक है? अब देखो, अब यहां चलते हैं और कहानी जो, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नोट हो गया, मैं फिर पूछ रहा हूँ, नोट हो गया? ओके, मैं हटा रहा हूँ कोट, है ना? अब देखो, चलो अब यहाँ पे आते हैं आगे, अब थोड़ा आगे देखें अपन लोग। हाँ तो सेव करो, रन करो। हाँ जी बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं अभी नहीं, सब टाइप करो। कोडिंग में कभी शॉर्टकट मत डालना जब तक आप सीख रहे हैं। एक बार ध्यान रखना, जब तक आप कोडिंग मास्टर नहीं बन जाते तब तक कोड को पेस्ट नहीं करने किसी को। लिखने की आदत डालो। इसलिए मैं कभी किसी ने कहता कि बीएस कोड पे काम करें, ठीक है? कम से कम इन चीजों को लिखो। हाँ बोल बोलो बोलो, लिख लेते हैं इसमें। जैसे आप पीट ऐसे लिखते हो ना, पीटेक, ऐसे पी लिखा मैंने ऐसे, तो ऐसे अपना देखो आ जाता है, दोबारा लिखा हुआ ऐसे आ जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखो ठीक है? फिर कह रहा हूं कि कभी भी कोड, अब जिन्हें कि आपको कुछ टास्क दिया, आपने उठाया कॉपी कर लिया, कोड पेस्ट कर दिया, तो अगर आप ये करते रहे ना तो कभी आप वेब पेज नहीं बना पाओगे, डेवलपर बन ही नहीं पाओगे। जो बंदा कोड को, हाँ अब पैराग्राफ ये पी, ये पी तक और करना है, तो इसको सेव करो ना। अरे पैराग्राफ कैसे आएगा, सिंपल है ये, हटाओ सिंपल, ऐसे पी लिख लो ऐसे, जरूरी क्या है, बस कुछ ऐसी टाइप कर दो। लो ऐसे टाइप कर दिया, सेव कर दो, बस चल जाएगा सिंपल सा। लिख लिया, सबका हो गया। अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं, देखो तो अपन इस कहानी पे आते हैं जो कहानी अभी चल रही थी। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपने उसका काम कर दिया, ठीक है? अब आपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसका ये चेंज कर दिया, तो अपन चेंज कर लेते हैं सारी चीजें क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। अब आपने क्लाइंट को ये दिखाया, ये दिखाया, क्लाइंट कहेगा, क्लाइंट कहेगा चलो ठीक है। क्लाइंट ने क्या बोला, चलो ठीक है। अब क्लाइंट ने अपने सर को दिखाया, ये जो आपने काम किया है ना, क्लाइंट ने अपने सर को दिखाया। अब उसके सर क्या बोलते हैं, अरे ये तो यार ब्लैक एंड व्हाइट तुमने कर दिए पूरा यार, उससे बोलो डिजाइनर से थोड़ा ना डिजाइन फिजाइन करे इसके अंदर ना, बीच में एक हेडिंग दे, बीच में एक हेडिंग डाल दे, इनको थोड़ा कलर फलर दे। वो क्या ब्लैक एंड व्हाइट सा कर दिया, अब ब्लैक एंड व्हाइट जमाना चला गया, क्लाइंट ने कहा। तो क्लाइंट ने आपसे कह दिया कि यार थोड़ा इसको कलर फलर करो ना, और बीच में एक हेडिंग दो। तो अपन आते हैं बीच में ऊपर यहाँ पे इसी में, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ चीजें। अब मैंने यहाँ पे लिखा H1। अब देखो सेंटर करने के लिए तो एक टैग होता है सेंटर टैग, क्या होता है एक सेंटर टैग, पहले सेंटर टैग समझो। मैं लिखा यहाँ पे ITM CO, बंद कर दिया, ठीक है? अब चेक करता हूं, तो सेंटर पे आ गया ITM कॉलेज। आपने उसको सेंटर में कर दिया, क्या यूज किया हमने यहां पे, सेंटर टैग, ठीक है? और भी चीजें यूज कर सकते हैं, अभी धीमे धीमे अपन सीखेंगे। तो सेंटर पे आ गया। अब आपने क्लाइंट को दिखाया, लो सर सेंटर पे कर दिया। अब क्लाइंट ने 2 क्वेश्चन फिर कह दिया आपसे, उसने कहा एक तो पहले इसका साइज बड़ा करो। क्या कहा क्लाइंट ने, जो ITM कॉलेज लिखा है इसका फॉन्ट साइज बड़ा करो, दूसरा ये जितने ये ब्लॉक जितनी मेरी हेडिंग है, जो ये मेरी हेडिंग है ना इन सबको रेड कलर दो, जितनी ये हेडिंग आपने लिखी है ना इन सबको रेड कलर दे दो, और जो पैराग्राफ लिखी है ना इनको आप इनके पीछे बैकग्राउंड लगाओ, इन पैराग्राफ के पीछे सबके पीछे ब्लैक कलर के, ठीक है? ये अब तुम कहोगे यार सर ने तो बोला था कि H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, अब तुम उनसे बोलोगे नहीं सर इतनी बड़ी हेडिंग होती है, बोल नहीं इससे बड़ी हेडिंग होती है,
तुम कहोगे सबने तो कहा H1 सबसे बड़ी हेडिंग। अब बात आ गई CSS की। लेआउट तो बन गया, सामने दिख रहा लेआउट, अब उसमें करनी है फिनिशिंग, अब करनी पड़ेगी फिनिशिंग। तो अब पॉइंट आ गए CSS, क्योंकि फॉन्ट साइज बड़े करने हैं, कलर देने हैं। अब तो जो अब जो अब जो डिमांड ने बोलेगा ना अपन से, वो अपन सारे काम CSS से करेंगे। तो अब उसने कहा कि एक तो पहले फॉन्ट साइज बड़ा करो, और जितनी मेरी हेडिंग है वो सारी हेडिंग रेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सतरंगी कर दो, क्योंकि वेबसाइट क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, अब CSS कितने टाइप की होती है पता है किसी को? CSS के भी टाइप होते हैं, तीन टाइप की। कौन कौन सी? हाँ बढ़िया, और को बताओ एक और। हाँ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल देखो CSS तीन टाइप की होती हैं, सब सुन लें। CSS तीन टाइप की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब तीन तरीके के ब्यूटी पार्लर हैं ये, मान के चलो। एक ब्यूटी पार्लर जो गली के अंदर, घर में नहीं खुले होते हैं, जिसमें गली के लोग चले जाते हैं, गली के अंदर होते हैं, घरों में बने होते हैं। और एक ब्यूटी पार्लर होते हैं रोड पर बने होते हैं, दुकानों में। और एक ब्यूटी पार्लर होते हैं जो मॉल में बने होते हैं, लैक्मी के, गार्नियर के, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर होते हैं ना। तो सिर्फ तीन टाइप की CSS है, मतलब काम तीनों पे सेम हो रहा है, डिजाइन तीनों कर रहे हैं, है ना। वो भी पोती करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इनलाइन CSS क्या होती है। इनलाइन मतलब पर्टिकुलर किसी एक के लिए। अब मैं सोचा यार कि उस लड़की ने, तीन सोचा लो कि थोड़ा बहुत काम कराना है, क्यों इतनी दूर जाए, गली में करवा लो, बगल में तो है अपने जी, है ना। तो वो होती है इनलाइन पर्टिकुलर किसी एक के लिए। तो जैसे मांगे चलो अपन से क्लाइंट ने पहले कहा था कि जो ITM कॉलेज है इसका कलर चेंज कर दो पहले तो, और फिर इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दो। ठीक है, तो हम कौन सा यूज करने वाले हैं? इनलाइन CSS पर्टिकुलर किसी एक के लिए। ठीक है, मतलब इनलाइन मतलब होता है किसी टैग के अंदर। अब देखो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, हमें क्या करना है? स्टाइलिंग करनी है। अभी ये क्या बना हुआ है? एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब CSS से क्या करने वाले हो? उसके अंदर स्टाइलिंग करने वाले हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनलाइन CSS यूज कर रहे हैं हम लोग, मैंने लिखा स्टाइल, हमें क्या करना है? स्टाइलिंग करनी है। लिखा स्टाइल, क्या करना है? मैंने कहा मुझे कलर देना है। ठीक है, कौन सा कलर देना है? मान के चलो मैं लिख दिया ब्लू कलर देना है। ठीक है, समझ आ गया? स्टाइल करना है, क्या करना है स्टाइल में? मैंने कहा कलर करना है। कौन सा कलर करना है? ये कुलन सब लगा लेना। देखो जैसे आप लिखोगे ना, आपको लिखना नहीं पड़ेगा पूरा, जैसे आपने लिखा ST अपने आप आ जाता है। कौन सा कलर करना है? ये कलर लिख दो, कलर करना है। कौन सा करना है? मैंने कहा ब्लू करना है, ये लिख दिया मैंने ब्लू। अब ये CSS कौन सा है? चला इनलाइन क्यों है? क्योंकि पर्टिकुलर मैं H1 के लिए तो काम कर रहा हूँ, H1 टैग के अंदर। अब अगर मैं सोचूं कि अगर मैं इसके नीचे लिखता हूँ H1 द्वारा से ऐसे ये हेलो, क्योंकि इस पे भी काम करेगा ये टैग CSS। चेक करते हैं, देखो कहीं काम किया गया इस पे? नहीं किया ना। देखो क्योंकि तो मैंने क्या यूज किया, इनलाइन, मैंने पर्टिकुलर सी H1 टैग के अंदर CSS लगाई है। ठीक है, तो ये हमारी CSS कौन सी है? इनलाइन CSS। ये आ गया कलर, आइटम क्वालिटी कलर आ गया इनलाइन से। अब ऐसे ही मुझे इनके कलर चेंज करने थे हेडिंग के, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, ऐसे इसमें पेस्ट कर लेता हूँ, ऐसे इसमें पेस्ट कर लेता हूँ, ऐड कर दिया। देखो इतना हो गया, जो क्लाइंट कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अभी वेबसाइट हमेशा क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो इतना हो गया। हाँ, इसके अंदर टैग के अंदर, हाँ इनलाइन है ना, इसलिए इसके अंदर लगाई जाती है। देखो इसके अंदर, देखा ना, इसके अंदर से लगाते हैं। ठीक है, चलो लगा के देखो आप लोग, अपने लगा के देखें आप लोग इतना करें। आप एक ही लिख लो, बस एक ही पैराग्राफ उसी में नीचे, ये पूरा मत लिखो, मैंने तो लिख दिया था ऐसा। लो इतना लिख लो, चलो सब लोग उसी के नीचे लिख लो, हेडिंग के नीचे ये काम, हेडिंग के नीचे ये काम कर लें।
गया? साथ 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 नोट कर रहे थे क्या? साथ साथ ही कर रहे हो तो जल्दी नोट कर लिया। ठीक है, वो भी सब कराऊंगा। इतना नोट कर लें सब लोग। सबका हो गया? तो इतना पार्ट क्लियर हुआ कि लाइन सीएसएस कैसे लगाते हैं, इतना भी? तो अब क्या करना है, आज जो मैंने कराया आप सबको फोटो खींच के ग्रुप में भेजना है। और टाइम की याद रखो, बहुत से लोग लेट आते हैं, 6:02 या 3 मिनट पे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारा सेटअप हो गया, आज हमने इतना काम कर लिया, तो अब डेली कोडिंग चलेगी, धीमे धीमे स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, सबका नोट हो गया इतना? बोले सब लोग कर लिया? चलो, तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करना, अभी मैंने जो कराया इसको थोड़ा देखना घर पे।